जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में अपन ने खेजड़ी, महुआ, तेंदू और रोएड़े के बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर ली थी। तो आज के इस वीडियो में अपन आगे के पेड़ों की बातें करेंगे, आगे के पेड़ों के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ आपको यहीं पर याद करा दूंगा। और ये जो फैक्ट हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं खेर की। खेर का वैज्ञानिक नाम अकेसिया कटेचू। खेर का वैज्ञानिक नाम अकेसिया कटेचू, क्या हो जाएगा? अकेसिया कटेचू। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जो खेर जो पेड़ होता है उससे जो कतौड़ी जनजाति है उसकी छाल से हांडी पद्धति द्वारा कत्थे का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कत्थे का, जो पान वगैरह में कत्था होता है ना, उसका निर्माण हांडी पद्धति द्वारा कत्था जनजाति कर, अपने कौन सी जनजाति? कतौड़ी जनजाति। कतौड़ी जनजाति जो खेर होता है उसकी छाल से हांडी पद्धति द्वारा क्या प्राप्त करती है? कत्था बनाती है, ठीक है। कत्था आप सभी ने खाया होगा, तो कत्था कौन बनाती है? कतौड़ी जनजाति, नाम से ही स्पष्ट है। तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, 8-10 बार पूछा गया होगा शायद अलग अलग एग्जाम्स में, कि कत्था कौन से पेड़ से प्राप्त होता है? खेर से प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, क से कत्ता, क से खेर, ख कर दो या ख कर दो, बात एक ही है। खेर से, खेर की छाल से कत्ता प्राप्त किया जाता है, कतौड़ी जनजाति बनाती है, ठीक है। कौन सी पद्धति द्वारा? हांडी पद्धति। पद्धति भी याद रखना है और कत्ता भी याद रखना है, ठीक है। और जो कतौड़ी जनजाति है वो कहाँ पर है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा वाले एरिया में। तो यहीं पर ही क्या बनाएगी? कत्था भी यहीं पर बनाएगी। कतौड़ी जनजाति कहाँ पर रहती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा वाले एरिया में रहती है। तो शुष्क सागवान वन में चित्तौड़गढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर, इनमें ये पाए जाते हैं खेर के वृक्ष, ठीक है। खेर वाले, खेर के पेड़ कहाँ पर पाए जाएंगे? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा वाले एरिया में। क्योंकि कतौड़ी जनजाति भी अपने कहाँ पर रहती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा वाले एरिया में कतौड़ी जनजाति रहती है। तो यहीं पर क्या पाए जाएंगे? जहाँ पर खेर के पेड़ रहेंगे वहीं पर कतौड़ी जनजाति होगी, क्योंकि इसकी छाल से ये कत्ता बनाती है हांडी पद्धति द्वारा, ठीक है। तो अकेसिया कटेचू इसका वैज्ञानिक नाम हो गया, और कतौड़ी जनजाति इसकी छाल से हांडी पद्धति द्वारा कत्ते का निर्माण करती है। क्या बनाती है? कत्था बनाती है। और कहाँ पर पाए जाते हैं ये सर्वाधिक? कहाँ पर है जो कतौड़ी जनजाति है? वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा में रहती है। तो पेड़ भी अपने यहीं पर हो जाएंगे, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा वाले एरिया में, ठीक है। तो ये अपना खेर कंप्लीट होता है। इसमें एक ही बात इंपॉर्टेंट है, कतौड़ी जनजाति कत्था बनाती है खेर के पेड़ से, ठीक है। अगली बात, अगला पेड़ हो जाएगा अपना पलास या ढाक। पलास या ढाक, ढाक के तीन पात आप सभी ने नाम वो कहावत सुनी होगी, ढाक के तीन पात, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, क्या हो जाएगा? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, किसका? पलास या ढाक का। पलास या ढाक, होली का टाइम आता है तब बहुत लाल सुर्ख हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? लाल सुर्ख हो जाते हैं, इसलिए इनको जंगल की आ गया ज्वाला कहा जाता है, जंगल की आ गया ज्वाला। कौन से पेड़ को कहा जाता है? पलास या ढाक को कहा जाता है। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसको कहा जाता है? पलास या ढाक, यानी कि जब इसके जो फूल होते हैं वो लाल सुर्ख हो जाते हैं होली के टाइम पर, होली से थोड़े बहुत दिन पहले लाल सुर्ख हो जाते हैं इसके जो फूल वगैरह रहते हैं। तो उसी के कारण इसको क्या कहा जाता है? जंगल की आ गया, जंगल की ज्वाला कहा जाता है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। अगे इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेंगे कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे जंगल की ज्वाला या आग कहते हैं। शुष्क सागवान वन में पाए जाते हैं, मुख्यतः राजसमंद में। राजसमंद जिला याद रखना है आपको, कि राजसमंद जिले में पलास या ढाक के वन पाए जाते हैं। राजसमंद में पलास या ढाक के वन है। तो यहाँ पर जब होली का टाइम आता है तो लाल सुर्ख हो जाते हैं चारों तरफ, मतलब पूरा जंगल लाल सुर्ख दिखता है, इसलिए इसको जंगल, जैसे जंगल में आग लग रही हो लाल सुर्ख के कारण, ठीक है, इसलिए इसको जंगल की आग या जंगल की ज्वाला कहा जाता है। किसको? पलास या ढाक को, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन धोक, धोकड़ा वनों की। धोक, धोक का वैज्ञानिक नाम एनोजिस पंडुला। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेना है एक बार, एनोजिस पंडुला, क्या हो जाएगा? एनोजिस पंडुला। सर्वाधिक धोकड़ा वन अपने राजस्थान में है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन है? धोकड़ा वन। कौन से वन हो जाएंगे? धोकड़ा वन, यानी कि धोक के पेड़ अपने राजस्थान में सर्वाधिक हैं। धोकड़ा वन अपने राजस्थान में सर्वाधिक हैं। क्यों है?
क्योंकि ये पश्चिमी मरुस्थल को छोड़कर पूरे के पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं। पश्चिमी मरुस्थल को छोड़ दो, पूरे के पूरे राजस्थान में, यानी कि जंगल की तरह तो नहीं, मतलब कि कई जगह जंगल की तरह है और कई जगह ऐसे ही बिखरे बिखरे पेड़ों में है। कौन? धोक के पेड़, धोकड़ा वन, ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल को छोड़कर। मिश्रित पतझड़ वन में पाए जाते हैं, यानी कि पूरे के पूरे राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल को छोड़कर। जो इसकी लकड़ी होती है वो कठोर होती है, इसलिए इसका उपयोग कोयला बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कोयला बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? धोक के लकड़ी का, धोक की लकड़ी का उपयोग कोयला बनाने में किया जाता है। तो हो गया याद कि एनोजिस पंडुला, एनोजिस पंडुला इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। सर्वाधिक राजस्थान में धोकड़ा वन पाए जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी मरुस्थल को छोड़कर पूरे के पूरे राजस्थान में धोक के पेड़ हैं और मिश्रित पतझड़ वन में पाए जाते हैं। इसकी जो लकड़ी होती है वो कठोर होती है, इसलिए इसका उपयोग कोयला बनाने में किया जाता है। इसके बाद आंवला, आंवला आप सभी ने खाया होगा, आंवला का मुरब्बा वगैरह, अचार वगैरह बनता है, ठीक है। इसकी जो छाल होती है, आंवले की छाल, आंवले के पेड़ की छाल जो होती है, उसका उपयोग चमड़ा साफ करने या रंगने में, जो चमड़ा रंगा जाता है या चमड़ा साफ करते हैं, जो चमड़ा साफ करते हैं ना सड़क वगैरह पे, वो किसकी छाल का यूज करते हैं? आंवले की छाल का यूज करते हैं। आंवले की छाल का उपयोग कपड़ा चमड़ा साफ करने या रंगने में किया जाता है, जिसको अपन टैनिंग कहते हैं। टैनिंग क्या है? इंपॉर्टेंट है टैनिंग, टैनिंग इंपॉर्टेंट है कि चमड़ा साफ करने या जो चमड़ा साफ करने की जो पद्धति है उसको क्या कहा जाता है? टैनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैनिंग, ठीक है। सर्वाधिक जयपुर में है, आंवले के पेड़ सर्वाधिक जयपुर में है। कहाँ पर है? सर्वाधिक जयपुर में है, इसलिए जो अपने चौमू जयपुर है वहाँ पर आंवला मंडी हो जाएगी। आंवला मंडी कहाँ पर है अपने राजस्थान में? चौमू जयपुर में। इसलिए आपको आंवला वगैरह खरीदना हो तो जयपुर चल जाना, बहुत सस्ते मिल जाएंगे जयपुर में, चौमू में, ठीक है। तो चौमू जयपुर में आंवला मंडी हो जाएगी। और इसके बाद लेदर पार्क, लेदर पार्क की स्थापना अपने मानपुरा माचेड़ी जयपुर में की गई है। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है? मानपुरा माचेड़ी जयपुर में। मानपुरा माचेड़ी जयपुर में एक स्थान है, वहाँ पर अपने लेदर पार्क की स्थापना की गई है। तो ये आंवला भी कंप्लीट हो गया कि इसकी छाल का उपयोग चमड़ा साफ करने या रंगने में किया जाता है, जिसको टैनिंग कहा जाता है। सर्वाधिक जयपुर में है, इसलिए जयपुर में अपने चौमू जयपुर में आंवला मंडी हो जाएगी। और लेदर पार्क की स्थापना हमने मानपुरा माचेड़ी में की जा रही है, हो गई है, मतलब कि मानपुरा माचेड़ी जयपुर में लेदर पार्क की स्थापना कर दी गई है, ठीक है। तो ये अपन ने आज चार पेड़ों की और बात कर ली, खेर, पलास या ढाक, धोक और आंवला की। एक बार और देखते हैं कि खेर अकेसिया कटेजू इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। जो कतौड़ी जनजाति है वो इसकी छाल से क्या बनाती है? कत्था बनाती है हांडी पद्धति द्वारा। सर्वाधिक कतौड़ी जनजाति कहाँ पर रहती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा वाले एरिया में। तो जो ये खेर के पेड़ भी यहीं पर पाए जाएंगे, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा वाले एरिया में, ठीक है। इसके बाद अपन ने पलास या ढाक की बात की, मोनोस्पर्मा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। जंगल की आ गया, जंगल की ज्वाला इसको कहा जाता है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। जो इसके पुष्प होते हैं वो लाल सुर्ख हो जाते हैं, इसलिए इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। शुष्क सागवान वन में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा राजसमंद में। कहाँ पर? राजसमंद में। इसके बाद धोक, धोक एनोजिस पंडुला, एनोजिस पंडुला सर्वाधिक अपने राजस्थान में धोकड़ा वन ही है, क्योंकि जो मिश्रित पतझड़ वन है, यानी कि जो पश्चिमी मरुस्थल को छोड़कर जो पूरा का पूरा राजस्थान है वहाँ पर ये पेड़ पाए जाते हैं धोक के, ठीक है। इसकी लकड़ी कठोर होती है, इसलिए इसका उपयोग कोयला बनाने में किया जाता है, ठीक है। धोक की लकड़ी का उपयोग कोयला बनाने में किया जाता है। इसके बाद आंवला, आंवला की छाल से चमड़ा साफ किया जाता है, जिसको अपन टैनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टैनिंग कहते हैं। और आंवला मंडी अपने चौमू जयपुर में हो जाएंगी, क्योंकि जयपुर में सर्वाधिक आंवले के पेड़ हैं, ठीक है। और लेदर पार्क की स्थापना मानपुरा माचेड़ी में जयपुर में की गई है। आई होप आपको याद हो गए होंगे सभी फैक्ट्स, बहुत ही सिंपल हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें हैं नहीं, एक एक दो दो फैक्ट्स हैं सभी पेड़ों के बारे में। तो दो चार पेड़ वगैरह और बच जाते हैं, उनको अगली क्लास में देख लेंगे। तो आई होप ये पेड़ वगैरह आपको याद हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।